दोस्तों आजकल हर चीज वायरलेस बनती जा रही है और वैसे भी ये जमाना ट्रूली वायरलेस का ही है। हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हर प्राइस पॉइंट पर चूज करने के लिए दोस्तों, लेकिन बजट सेगमेंट एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां हमें कंपनीज काफी प्रॉमिस करती हैं पर वो उन पर खरी नहीं उतर पाती। लेकिन वेल नोन ब्रांड नॉइस की तरफ से एक लेटेस्ट रिलीज है द बर्ड्स VS101, जिसका लॉन्च प्राइस है 1199 रुपये। पहले हम इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में मिलता क्या है। यहाँ पर आपको सभी स्टैंडर्ड स्टफ देखने को मिलता है, जैसे ईयरबड्स केस जो कि काफ़ी वेल बिल्ड है और स्टर्डी भी। इसके अंदर आपको ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि ईयर नॉजल डिज़ाइन के साथ आते हैं दोस्तों, जैसे एयरबड्स प्रो। आपको इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिलती हैं आपके बेटर फिट के लिए, और USB टाइप सी केबल जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है इस प्राइस पॉइंट पर। अब अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करें तो हम इसको एयरपॉड्स के क्लोन तो बिल्कुल नहीं कहने वाले। ये बड्स प्रीटी मिनिमल है और इसका जो स्टेम है वो भी काफी स्लिम है। इसके जो 8mm ड्राइवर्स हैं वो बेंड करते हैं ऑलमोस्ट 45 डिग्री, जो कानों में भी काफी फिट और अच्छे से आ जाते हैं। इस बड्स का आपको स्लाइटली ओवल शेप देखने को मिलेगा और आपके कानों के हिसाब से ये कंफर्टेबल भी हो सकते हैं या नहीं भी। इसके अंदर टोटल 3 सेट्स ऑफ सिलिकॉन टिप्स इंक्लूडेड हैं पैकेज में, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। मेरे हिसाब से स्मॉल वंस काफी कंफर्टेबल थे। ये बड्स इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं जो कि कानों में डीपली फिट हो जाते हैं और कानों में काफी कंफर्टेबली भी फिट होते हैं, और इंटेंस रन और वर्कआउट के लिए भी इसका फिट काफी सही है। और मैं आपको बता दूं ये बड्स IPX5 रेटेड भी हैं और ये काफी सेफ हैं स्वेटी वर्कआउट्स और ड्रॉप्स इनटू द सिंक के लिए, लेकिन हैवी रेंज के लिए बिल्कुल नहीं। अगर साउंड की बात करें दोस्तों तो आपको इसमें लार्जली बैलेंस्ड और डिटेल्ड सोनिक सिग्नेचर साउंड देखने को मिलता है, जो कि काफी डिफरेंट साउंड करता है जितने भी मैंने 1200 के अंदर वाले बर्ड्स में सुना है। इसके अंदर एडवांस्ड ब्लूटूथ कोडेक्स का हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये सही काम करता है AAC कोडेक के साथ। इसका बेस किसी भी हद तक पंची नहीं था, लेकिन काफी डिस्टिंक्ट टाइट और कैलकुलेटेड था, पर्टिकुलरली इन द मिड रेंज। इसका साउंड स्टेज काफी वाइड था जिसमें हमें प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन और फील देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन इसके जो डिटेल्स लेवल थे वो थोड़े से लो थे और कुछ चीजें थोड़ी सी अनप्लीजेंट सुनाई दी हाई वॉल्यूम्स पर। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो मुझे लगता है ये इस प्राइस रेंज पर सबसे बेस्ट ईयरबड्स हैं। और अगर बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर हमें सब पार बैटरी लाइफ मिलती है और तकरीबन मेरे यूज के अंदर ये 4 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं, और चार्ज होने के लिए ये अराउंड 90 मिनट्स लेते हैं जो कि डिसेंट है। और केस के साथ ये ईयरफोन 1 दिन तक चलते हैं। चार्जिंग टाइम इसका थोड़ा स्लो है दोनों में। इसके अंदर आपको जेस्चर कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जिससे आप म्यूजिक और कॉल्स आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है नॉइज वालों की तरफ से, और ये कॉल्स और म्यूजिक दोनों के लिए बेस्ट TWS ईयरफोन है बजट प्राइस में। और इस ईयरबड्स की हार्ड सिलिकॉन टिप्स ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करती यूजर्स को, तो इस प्राइस रेंज में इतने बेहतरीन फीचर्स मिलना इसे वन ऑफ द बेस्ट TWS ईयरबड्स में से एक बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।